हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव विशेद सो बिफोर सिंग द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट तो आज हम करना जा रहे हैं चैप्टर फिफ्टीन जिसका टाइटल है अवर इन्वायरमेंट तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये तो कुछ नहीं दे रखा मतलब ये तो सारी इंट्रोडक्टरी है कि वो क्या होता है इन्वायरमेंट क्या होता है हमारे दादा परदादा क्या बोलते थे कि एन्वायरमेंट पहले के जैसा अब नहीं रहा एंड सो ऑन तो हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक है इकोसिस्टम और उसके कॉम्पोनेंस तो इको सिस्टम क्या होता है इको सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिखी गई है ऑल द इंट्रैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम एन इको फॉर्म एन इको सिस्टम तो ये इको सिस्टम होता है मतलब कि कोई भी एरिया जहाँ पे लिविंग कॉम्पोनेट्स एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेट्स टुगेदर वहाँ पे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इको सिस्टम ठीक है तो अब हम बोलते हैं इको सिस्टम के अंदर बायोटिक और ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं बायोटिक यानी कि लिविंग और ए बायोटिक यानी मतलब नॉन लिविंग जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स हो गए जैसे कि टेम्परेचर दे दिया रेनफॉल विंड सॉयल मिनरल्स एंड सो ऑन तो हमको एक एग्जाम्पल दे रखा है अगर आप मतलब गार्डन जाओगे जैसे कि तो आपको वहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स दिखेंगे जैसे ग्रासेस ट्रीज़ फ्लावर बियरिंग प्लांट जैसे कि रोज़ जैसमिन सनफ्लावर एंड सो ऑन और कुछ एनिमल्स दिखेंगे तो ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जब भी इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और उनकी जो ग्रोथ है रिप्रोडक्शन है और दूसरी एक्टिविटीज़ वो अफेक्ट करती है ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इको सिस्टम में तो जो गार्डन है वो एकको सिस्टम है तो अब आपको पता हो चलेगा कि जो इको सिस्टम है वो टोटल दो टाइप्स के इको सिस्टम होते हैं एक होता है हमारा नेचुरल इको सिस्टम और एक होता है हमारा आर्टिफिशियल इको सिस्टम जिसको हम बोलते हैं मैन मेड इको सिस्टम ठीक है तो जो जैसे गार्डन्स हो गए क्रॉप फील्ड हो गए जिनको हम बनाते हैं हम उनको मतलब अच्छे से उनका डेवलपमेंट करते हैं तो वो हो गए आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड इको सिस्टम और नेचुरल इको सिस्टम जैसे कि हो गया हमारा फॉरेस्ट पॉन्ड लेक ठीक है जो जो मतलब नेचुरली uh, हमें मिलते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे बस एक सिंपल uh, सी एक्टिविटी है कि हमें जो एक्वेरियम को साफ़ करना होता है पर जो वहाँ पे रिवर पॉन्ड होते हैं उनको हमें साफ़ नहीं करना होता ठीक है क्योंकि उनमें एक कंपोनेंट होता है जो कि होता है डीकम्पोज जो यहाँ पे नहीं पाए जाते तो इसलिए हमें उनको क्लीन करना होता है तो हमने पहले की क्लासेस में देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोज के बेसिस पे हम बेस्ड कर देते हैं चलिए अब हम रिकॉल करते हैं विच ऑर्गेन तो अब आपको ये बताना है कौन सा ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि शुगर और स्टार्च बना सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से और रेडियंट एनर्जी से ठीक है जो सन की तो वो हम सबको पता है ग्रीन प्लांट्स हो गए ठीक है तो जो ग्रीन प्लांट्स हो गए सर्टेन बैक्टीरिया होगा और ब्लू ग्रीन एलगे होते हैं जो पानी पर रहता है वो भी बना सकता है बना सकते हैं मतलब बनाते ही हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से और मतलब खुद अपना खाना बनाते हैं तो उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स ठीक है अब हम पढ़ते हैं इनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स जो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने सस्टेनेंस के लिए अपने सर्वाइवल्स के लिए तो ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनजम जो, जो कंज्यूम करते हैं फूड मतलब खुद अपना खाना नहीं बना सकते जो दूसरों से प्रोड्यूसर्स से लेते हैं चाहे वो डायरेक्टली लेते हो चाहे वो इनडायरेक्टली लेते हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं कंज्यूमर कंज्यूमर नाम से हमें बच्चे जो दूसरों के ऊपर मतलब दूसरों का खाना कंज्यूम करते हैं ठीक है कंज्यूमर्स को हम मतलब कि चार पैट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते जैसे हर्बीवोरस कॉर्नीवोल ओमनीवोरस पैरासाइट्स तो आप सबको पता आप मतलब कि थर्ड फोर्थ से पढ़ते आ रहे हो कि हर्बीवोरस वो ऑर्गैनजम्स होते हैं जो मतलब कि ग्रीन प्लांट्स खाते हैं और कार्नीवरस जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है ओमनीवरस जो दो, दो, जो दोनों खाते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग हो गया क्रो हो गया एक्सेट्रा पैरासाइट्स हो गए तो मतलब वो ऑर्गेनिजम जैसे कि लाइस हो गई जो दूसरों के ऊपर मतलब होस्ट के ऊपर रहते हैं पर उनको वो किल नहीं करते वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स ऑप्टेन करते हैं तो यही हमको बताया गया है ठीक है कोयरियम को अगर हमने साफ नहीं करा तो प्लांट्स और फिश जो होते हैं वो मर जाते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम जो कंप्राइज करते हैं बैक्टीरिया और फंजाइल वो ब्रेक डाउन करते हैं क्या करते हैं बैक्टीरिया और फंजाइल तो ब्रेक डाउन करते हैं डेड रिमेन्स और विस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गैनजम्स तो ये सारे माइक्रो ऑर्गैनजम्स से ये डीकम्पोजर्स है क्योंकि वो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सॉयल के अंदर जाके और ताकि वहाँ से जो दूसरे प्लांट्स हैं वो निकल के आ जाए तो वही मैंने आपको बताया कि डिकम्पोजर्स होते जो डेड एंड डीकेइंग मतलब डी दी फॉर डीकम्पोजर्स डी दी फॉर डेड एंड डीकेइंग तो आप ऐसे याद कर सकते हो ये वाली एक्टिविटी ज़्यादा भी खास नहीं है अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉटेंट टॉपिक जिसके ऊपर मतलब आप कह सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं फूड चेन्स एंड फूड वेब एक्टिविटी फिफ्टीन पॉइंट फोर में हमने सीरीज़ बनाई थी जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी पहले हम ये पढ़ेंगे उसके बाद ही हमें सीरीज़ बनानी आएगी तो ये जो सीरीज़ होती है या ऑर्गेनिजम्स होती तो है जो डे टेक पार्ट करते हैं वेरियस बायोटिक लेवल्स तो वो फॉर्म करते हैं एक फूड चेन ठीक है फूड चेन क्या है मतलब फूड की चेन्स है सिंपल जो हर एक स्टेप होता है हर एक स्टेप होता है यहाँ लेवल होता है फूड चेन का वो एक ट्रॉफिक लेवल फॉर्म करते हैं जैसे कि सपोज़ कर लो ये प्लांट्स है हमारे ठीक है दीज आर योर प्लांट्स ठीक है फिर प्लांट्स को किसने खाया काओ ने खाया काओ को किसने खाया लायन ने खाया तो ये जो है ये प्लांट्स प्रोड्यूसर्स सी फॉर काओ ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर्स ये हो गए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स ये हो गए टर्शरी कंज्यूमर्स ठीक है ये हो गए टर्शरी कंज्यूमर्स ओके तो वही हमको दिया गया है कि ये हो गया हमारा टी वन टी टू टी थ्री ट्रॉफिक लेवल वन ट्रॉफिक लेवल टू ट्रॉफिक लेवल थ्री तो हम पढ़ेंगे जो ऑटोट्रॉप हो गए या प्रोड्यूसर्स हो गए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ठीक है ये होते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ये सारे होते हैं ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं ये फिक्स करते हैं सोलर एनर्जी को और अवेलेबल बनाते हैं हेड्रोट्रॉफ या कंज्यूमर को ताकि वो उनसे मतलब उनसे ले सके अपना ऑप्टेन कर सके न्यूट्रेंड तो जो हरबी होते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर्स आप कह सकते हो वो आते हैं सेकेंड कैटेगरी में क्योंकि फर्स्ट तो हमारा हो गया सन फर्स्ट हो गया हमारा एक सेकेंड फर्स्ट हो गया हमारा सन जिससे वन परसेंट एनर्जी जाती है किसको यस yes, प्लांट्स को ठीक है और फिर प्लांट्स को कौन खा लेता है जो भी एनिमल uh, है ठीक है कोई भी एनिमल हो तो ये सब खाते हैं तो हर्बी वोरस यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो सेकेंड पर आते हैं और जो कॉर्नीवोरस है यह सेकेंडरी कंज्यूमर है यह और जो मतलब सेकेंड कॉर्नीवरस और सेकेंडरी कंज्यूमर एक ही और जो देखो मैं आपको समझा नहीं पा रही मैं अब आपको समझाती हूँ ये एक सन है ठीक है यहाँ पर हमारे प्लांट्स है यहाँ पर हमारे एक हर्बी वोस है सपोज एक एनिमल है ठीक है मैं यहाँ पे बनाती हूँ ये हर्बी है ये है हमारा कॉर्नीवरस ओके okay. तो ये जो सन है ये सन जो होता है सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल पर आता है दूसरा पे ये आता है ठीक है तीसरा ये आता है और चौथा ये आता है ज़्यादा से ज़्यादा चार पाँच इन मतलब चार पाँच चीज़ें होगी जो पार्ट लेगी इन सारे फूड वेब में जो हरबीवल्स है या प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो सेकेंड ई यही हमको बताया गया पर ये जो है ये होता है टर्सरी कंज्यूमर जो थर्ड नंबर पे आता है और फोर्थ नंबर पे आता है उसको हम बोलते हैं कॉटनरी कंज्यूमर पर वो आपको आपके सिलेबस में नहीं दे रखा तो हम ये करेंगे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे जो आएगा ठीक है वो ऑर्गेनजम जिनको बोलते हैं फोर फोरट्रॉफिक लेवल या कॉटिनरी कंज्यूमर हम जानते हैं जो हम फूड ईट खाते हैं हम खाते हैं जो फूड तो वो फ्यूल होता है कि हमको एनर्जी देता है और वो इंटरेक्ट करते हैं अमंग वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट और वो इन्वॉल्व करता है फ्लो ऑफ एनर्जी एक कॉम्पोनेंट्स से दूसरे कॉम्पोनेंट में हमने स्टडी किया जो ऑटोट्रॉफ है वो कैप्चर करता है एनर्जी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और उनको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में तो ये जो एनर्जी है ये सपोर्ट करती है सारे एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग वर्ल्ड के ठीक है ऑटोट्रॉफ से जो एनर्जी जाती है हेट्रोट्रॉफ में और डीकम्पोज में हाए हमने प्रीवियस चैप्टर देखा था सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि अभी तक अभी डिलीट हो चुका है जब हम फॉर्म करते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं तो कुछ एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है और हम उसको वापस से कैन नॉट बी यूज अगेन तो ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वेरियस कॉम्पोनेट्स ऑफ एनवायरमेंट में वो इंटेंसिवली स्टडीड कर रहे हैं हम और ये हमने जब हमने स्टडी किया तो उसके बारे में हमें यह पता चला कि जो ग्रीन प्लांट्स है टेरिस्टल इकोसिस्टम है वो कैप्चर करते हैं वन परसेंट एनर्जी सनलाइट की और सारी जो उनके ऊपर गिरती है लीव्स के ऊपर ठीक है रू लीव्स के ऊपर ठीक है स्टेम के ऊपर एंड ऑल और कन्वर्ट करते हैं उसको फूड एनर्जी में जब ग्रीन प्लांट जो होते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर खा लेते हैं तो ये डील करते हैं एनर्जी जो कि लॉस्ट चाहिए हीट टू द इन्वायरमेंट कुछ अमाउंट जो होती है वो डाइजेशन में जाती है और वो डूइंग वर्क में जाती है जो रेस्ट टू वर्ड्स ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में यूज़ हो जाती है एक एवरेज अगर हम माने तो टेन परसेंट होती है ना फूड चेंज में वो टर्न होते दूसरी बॉडी में और अवेलेबल होती है नेक्स्ट तो लेवल है, तभी अगर अब एक न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है कि ये था हमारा प्रोड्यूसर्स ठीक है ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर तो इसके पास ठीक है टेन थाउजेंड जूल है तो इसको जब हर्बी ने खाया ठीक है ये हमारी ये हम मान लेते हैं हर्बी वोरेस यह मैं कलर चेंज कर देती हूँ तो मैं यहाँ पे बना हूं। ये बना देती हूँ ये हमारा हर्बी वोरेस है तो जब इसके पास एनर्जी जाती है तो इसके पास सिर्फ़ और सिर्फ थाउजेंड जूल ऑफ एनर्जी आती है जिसका टेन परसेंट टेन हम इसमें से एक ज़ीरो काट देंगे ठीक है अब अगर हम यहीं पर बात करें तो ये किसी दूसरे मतलब लेवल पर जाती है तो दूसरा लेवल जो है जब ये मतलब ये मतलब कि जब ये वाला ऑर्गेनजम्स इसको खा लेता है ठीक है ये वाला जो ऑर्गेनजम्स है वो इसको खा लेता है ठीक है तो इसके पास कितनी बचती है हंड्रेड जूल ऑफ एनर्जी तो यहीं पे हम बात करते हैं कि अगर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि अगर प्रोड्यूसर के पास इतनी एनर्जी है कोई और डी दे, दे देंगे तो टर्शरी कंज्यूमर के पास कितनी होगी ठीक है लेट्स मेक टर्शरी कंज्यूमर तो यहाँ पे टर्सरी कंज्यूमर तो उसके पास कितनी बचेगी 10 जूल तो देख सकते हैं यहाँ पे चार ट्रॉफिक लेवल चार फूड चेन बन पाई तो है तो तभी जो टेन परसेंट है ना वो एक एवरेज वैल्यू लेते हैं अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होते हैं हर एक स्टेप में और रीच करते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर के पास सिंस थोड़े से ही अमाउंट की जो एनर्जी है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाती है कंज्यूमर के पास तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तीन से चार वो फूड चेन होते हैं ठीक है जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है हर एक स्टेप में वो इतनी ज़्यादा होती है ताकि जो बहुत ही कम यूजेबल एनर्जी होती है आफ्टर फोर ट्रॉफिक लेवल या मतलब कि नल uh, होती है मतलब बहुत ज़्यादा कम होती है देयर आर जनरली ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑफ इको सिस्टम मतलब बहुत ज़्यादा कम होते हैं इंडिविजुअल लोअर ट्रॉफिक लेवल पे तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है प्रोड्यूसर्स का क्योंकि प्रोड्यूसर्स ये तो कैप्चर करते हैं वन परसेंट ऑफ द सन्नस एनर्जी तो जो लेंथ हो गई और कॉम्प्लेक्सिटी हो गई फूड चेन की वो वेरी करती है ग्रेटली हर एक ऑर्गेनिजम्स हर एक जो ऑर्गेनिजम्स है वो किसी दूसरे से खाया जाता है ठीक है तो इन स्टेड ऑफ़ द स्ट्रेट फूड चेन द रिलेशनशिप कैन बी शो एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग तो जैसे कि सपोज करो ये हमारा प्रोड्यूसर है ठीक है प्रोड्यूसर को मतलब किसने खाया काव ने आई होप मेरी ड्राइंग आपको समझ नहीं आ रही है मेरे को पता है बट प्लीज़ डोंट माइंड ये काओ है हमारी इसे पंख क्यों बना दिए हाँ ये हमारी काओ है इसने खा लिया तो काओ को ज़रूरी थोड़ी ना है कि काओ को सिर्फ लायन ही खाएगा काओ को टाइगर भी तो खा सकता है तो वही हमको दे रखा है तो आप याद कर लीजिएगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टर्शरी कंज्यूमर है ये सेकेंडरी कंज्यूमर फिर आते हैं फिर प्राइमरी फिर हम मतलब सॉरी पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं फिर प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्सरी ऐसे जैसे जाता है ना ऐसे ऐसे पहले इसके बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है फिर जैसे जैसे जाते जाते, जाते एनर्जी का रिडक्शन होता है अभी हमको फूड चेन बताई गई है कि ग्रास लैंड की है ये फॉरेस्ट की है और ये पॉन्ड के हाँ ये की के तो अब हम आगे पढ़ते हैं हाँ ये हम पढ़ना भूल गए तो इंस्टेड ऑफ द स्ट्रेट फूड चेन जो रिलेशनशिप है हम सीरीज ऑफ ब्रांचिंग कह सकते हैं जिसको हम फूड वेब फूड वेब होता हैं जब हम ब्रांच कर देते हैं फूड चेन यानी कि एक मतलब लेवल से दूसरे लेवल को खा रहे हैं दूसरे लेवल को तीसरे लेवल खा रहे है ठीक है तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा अब आगे जो अनर्जी होती है ये जो अनर्जी हमको दे रखी है तो ये हमको साफ बताती है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनि है यानी कि वो एक डायरेक्शन में चलती है ऐसे थोड़ी ना जैसे कि ये आ, प्लांट है प्लांट को आ, इंसेक्ट ने खा लिया ठीक है प्लांट को इंसेक्ट ने खा लिया इंसेक्ट को फिश ने खा लिया ऐसा थोड़ा ना जरूरी है कि फिश ही इसको खाएगी इंसेक्ट को इंसेक्ट को वो भी तो खा सकता है फ्रॉग तो भाई हमको दे रखा है जो एनर्जी होती है जो कैप्चर होती है ऑटोट्रॉप में वो फिर रिवर्ट नहीं हो सकती सोलर इनपुट में और जो एनर्जी जो पासिस करती है हर वो वापस नहीं आ सकती ऑटोट्रॉप्स के पास जैसे जैसे हम मूव करेंगे प्रोग्रेसिवली थ्रू वेरियस ट्रॉफिक लेवल तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी नहीं बचेगी जितनी हमारी पहले लेवल में बची है सेकेंडली जो एनर्जी अवेलेबल होती है ईच ट्रॉफिक लेवल में वो कम कम होती जाती है क्योंकि हर एक उसका ईच लेवल पे एक मतलब कि टेन परसेंट एनर्जी लॉस मतलब एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है टेन परसेंट ही दूसरे लेवल पर जाती है एक और इंटरेस्टिंग एक्सपे एस्पेक्ट है फूड चेन का वो है कि जो हार्मफुल केमिकल जो हमारी बॉडी में जाते हैं फूड चेन में ऐसे ऐसे सोचना मतलब कि, कि आ, हम प्लांट्स के अंदर हम देख के खाएंगे कि हाँ इसमें केमिकल तो नहीं है हम इतने तो ज़्यादा वो नहीं हम हल्का सा धो लेते हैं और बस हम खा लेते हैं तो एक रीज़न ये होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और अदर केमिकल्स करते हैं कि अपना प्रोटेक्ट करने के लिए अपने क्रॉप्स को डिजीज से और पेस्ट से तो ये जो केमिकल्स आइए या तो ये वॉश डाउन हो जाते है सॉइल में या फिर वाटर बॉडीज में तो जो सारे सॉइल है इनको एब्जॉर्व कर लेती है वाटर मिनरल्स फ्रॉम वाटर बॉडी और फिर वो उनको लेते हैं वो इक्वेटिक प्लांट उनको ले लेते हैं और एनिमल्स भी ले लेते ले हैं ले। एक तरीका है कि जब ये एंटर करते हैं फूड चेन में तो ये जो सारे केमिकल्स हैं और ये पहली बात की जो केमिकल्स है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये एक्यूमुलेट करते हैं हर एक ट्रॉफिक लेवल मैंने जल्दी जल जल्दी जल्दी अपना रैपिड वो बढ़ाते हैं दूसरे लेवल के अंदर चले जाते हैं अगर कोई मतलब खाएगा तो तो जैसे जो ह्यूमन बींग्स है वो ऑक्यूपाई करते हैं टॉप ऑफ दी फूड चेन तो हमारे ऊपर ज़्यादा रिस्क है कि हम मतलब हमारे से ज़्यादा क्वान्टिटी आ जाएगी उसकी किसकी जो भी सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स है तो जो मैक्सिमम कंसनट्रेशन होती है इन केमिकल्स की वो एक्यूमुलेट हो जाती है हमारी बॉडी में इस फिनना को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ये पेपर में बहुत आता है हंड्रेड परसेंट चांसेज है तो एक रीज़न है कि वाई फूड ग्रेन जैसे कि व्हीट हो गया राइस हो गया वेजिटेबल फ्रूट्स ठीक है और मीट ये सारे जो होते हैं इनमें पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू होता है और ये हमेशा से रिमूव नहीं हो सकते वो अगर हम वॉश करें या दूसरे मीन से तो एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखो सनलाइट है सनलाइट ने एक परसेंट एनर्जी इसको दी ठीक है तो इसके बाद सपोज करो आ, मैं अब आप आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि प्रोड्यूसर के पास अब इतने जूल्स एनर्जी है थोड़ा ज़्यादा हो गया ये आपको समझ आ रहा है मैं क्या बना रही हूँ एक दो तीन चार ठीक है ट्वेंटी जूल्स एनर्जी है यहाँ थोड़ी कम कर देते हैं हाँ जी टू थाउजेंड जूल एनर्जी है जब उसके पास जाएगी तो उसके पास टू हंड्रेड जूल एनर्जी बचेगी जब कार्नी उसके पास जाएगी तो बीस परसेंट अनर्जी बचेगी जो टॉप कार्नीवल्स है उसके पास तो सिर्फ परसे दो परसेंट एनर्जी बचेगी तो ये होता है मतलब जो है एनर्जी का कम होती रहती है एनर्जी ठीक है तो ये एक्टिविटी हम पढ़ लेते हैं कुछ ज़्यादा उसमें दिया नहीं हुआ कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट हमको बताती है कि जो पेस्टिसाइड लेवल है वो रेडीमेड फूड आइटम्स में वो आजकल बहुत ज़्यादा दिखा जाता है ठीक है तो आप क्या सोचते हैं सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड जो आते हैं और क्या है जो पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं वो हमारे फूड प्रोडक्ट्स में भी जाते हैं डिस्कस वट मेथड कैन बी अपलाई टू रिड्यूस आर इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड तो आप मतलब कुछ मेथड मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो इंटेक्स क्वेश्चन तो बहुत ईजी है कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है ये तो आप ही दोगे ठीक है डी का रोल क्या होता है बहुत ज़्यादा आसान है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ठीक है तो ये वाला जो फिफ्टीन पॉइंट टू है हम पार्ट टू में कवर करेंगे आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय